ये मैं बना रही हूँ पूरी मैदे आटा है मेरा मैदे का, इसकी मैं पूरी बना रही हूँ। 1 कप मैंने ये आटा लिया था सफ़ेद, बिल्कुल मैदे की तरह ये सफ़ेद आटा लिया था मैंने मैदे की तरह। इसके अंदर मैंने जीरा डाला है, थोड़ी सी 1 टुटकी कलौंजी डाली है और 2 चम्मच मैंने ऑयल के डाले। उसके बाद मैंने हल्के नीम गर्म पानी से इसको भून लिया और भूनने के बाद मैंने इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दिया तकरीबन। उसके बाद मैंने इसे दोबारा से रिफ्रेश किया और उसके करने के बाद मैंने इसके पेड़े बना के छोटे छोटे अब ये पूरियाँ बना रही हूँ। ये पूरियाँ मैं अमूमन खा रखती हूँ अफ्तार में, तो ये हम लोग अमूमन खाते हैं चाट के साथ, चने की चाट होती है सादा उसके साथ खाते हैं, या फिर समोसे भी साथ में रख लेती हूँ। ये है आज की मेरी रेसिपी, उम्मीद है आप ज़रूर इंजॉय करेंगी और बनाएंगी। शुक्रिया। एक बेलूंगी ना फिर उससे बनाती हूँ। अच्छा ये देखिए कि मैंने इस तरीके से ये बेली पूरी पूरी, ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा बारीक, नॉर्मल सी बेली। और फिर इस तरीके से इसको, ये मेरे पास था मोदी, ये मैंने इसको इस तरीके से ये देखा, ये मैंने इसको यू शेप दिया, यू शेप नहीं है ये मैंने शक्ल दी है। हाँ ये मैंने इसको, ये देखें आप, ये शक्ल दिए, ये देखिए। अब मैं इसको जो नेक्स्ट में बनाने लगी वो मैं बिल्कुल आम पूरी की तरह बनाती हूँ, आप भी देखिए। ये 2 मैंने ऐसे बनाई है और 2 मैंने ये देखिए, क्या नॉर्मल पूरी बन जाएगी। ये ज़रा डिज़ाइन वाली होगी, ये आम पूरी बनेगी, ये देखिए। अब मैं तल के अभी आपको मैं दिखाऊंगी, ये देखिए, ये माशाल्लाह, ये देखिए कितनी खूबसूरत पूरी बन गई। अब मैं आपको एक सादा भी दिखाती है। ये मेरे पकौड़े हैं, ये पालक के पकौड़े हैं और ये मिक्स पकौड़े। ये मैंने देख पूरी तैयार करी है, ये देखें आप हार्ड वाली पूरी, छोटे बच्चों को देख कितने शौक से खाएंगे, खुश होकर ये वाले रखें और ये